दंडवत प्रणाम। जय श्री गोविंद प्रभु महाराज। श्री गोविंद प्रभु अवतार दिन के उपलक्ष में हम गोविंद प्रभु महाराज जी के विभिन्न लीलाओं का एक जानकारी ले रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं मृत बालक को जीवित करना। एक्चुअल में चमत्कार रूप लीला है, लेकिन समाज को ईश्वर हमेशा कुछ ना कुछ देते आए हैं। जीवों को परमेश्वर ने हमेशा ही जीवों के लिए देने का काम किया है। अब इस लीला में भगवान जी मृत बालक को जिंदा कर रहे हैं। चमत्कार रूप लीला देखिए कैसे। एकाचे लेकरु गोसावी खेल थी। कोई एक माता थी, उसका बच्चा, स्वामी जी रोज उस बच्चे के साथ खेलते थे। वो गुजर गया, ते सरले, मतलब वो एक्सपायर हो गया। ते नेऊनी वाजेश्वराचा ईशान्य कोनी पांधी पुरिले। वाजेश्वर के जो मंदिर है, वाजेश्वर मतलब श्री लीला चरित्र का निर्माण स्थल, लीला चरित्र का जहां जिस जगह पे बैठ के लीला चरित्र का निर्माण हुआ है, उस जगह पे उसके बाजू में, ईशान्य बाजू में उसको दफना दिया है। तब गोसावी तयाचा घरासी दीजे के लिए, स्वामी जी उसके घर पे जाते हैं। तब गोसावी आती देख ले, उसने उस स्वामी जी को देखा और रोने लगी। वो माता रोने लगी, क्योंकि उस माता को अपने बच्चे की बहुत ज्यादा याद आई ना, क्योंकि रोज खेलने को श्री प्रभु बाबा जी आते थे और बच्चा गुजर गया, तो उसको देख के, स्वामी जी को देख के वो रोने लगी कि हे हे ईश्वर अवतार, हे राहुल, आप जिस बच्चे के साथ खेलते थे वो आज गुजर गया है, वो बच्चा नहीं है। वो बोलती राहुल जिया लेकुरवाते तुम्हें खेलवा ते आज सरले, वो आज गुजर गया है। मनोन अवघे रड़ो लागली, सभी लोग रोने लगे परमेश्वर के सामने। आनी रावणासी अनुकंपा उपन्नली, मैं जो हमेशा सबको बोलता हूं, परमेश्वर के पास रोना पड़ता है। जब हम ईश्वर के सामने ईश्वर के लिए रोएंगे, तब परमेश्वर को अनुकंपा उत्पन्न होगी, कृपा उत्पन्न होगी, माया उत्पन्न होगी, हमारे प्रति परमेश्वर को दया उत्पन्न होगी। केवल उस माता का हृदय देखकर, माता का रोना देखकर, सभी लोगों का रोना देखकर परमेश्वर को दया उत्पन्न हुई। रावणासी अनुकंपा उत्पन्न ली मंग गोसावी मनितले, स्वामी जी बोलते हैं आओ मेला जाए आनी आनी ना मने, आओ मेला जाए, ये बोलने का पद्धति थी, भगवान जी बोलते थे, बोलने का तरीका था। आओ मेला जाए आनी आनी ना मने, ये भगवान जी का तरीका था बोलने का। तो आनी आनी ना मने मतलब लाओ लाओ, वो बोलते थे, माता बोलने लगी आता काय आनी राहुलो, मतलब अब मैं क्या लाऊं, मैं बच्चे को कैसे लाऊं, अब हम तो उसको दफना कर आ चुके हैं। आओ मेली जाए आनी आनी ना मने, स्वामी जी फिर से बोलते उसको लेके आ, बच्चे को तू लेके आ। वो बोलती है आता काय आनी राहुलो, आओ मेली जाए आना वे मने। फिर स्वामी जी खुद को ही बोल रहे स्वामी जी कि अब मुझे ही उसको लाना पड़ेगा। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं उसको, मुझे ही उसको अब लाना पड़ेगा। और आओ मेली जाए आना वे मने, मतलब अब मैं लेकर आता हूं। ना वे मने मतलब तू नहीं लाएगी, मैं लेके आऊंगा। आओ आना वे सी मने मतलब मैं ही उसको लेकर आऊंगा। ऐसा कह के दुड़ू दुड़ू धाव घेतली। फिर स्वामी जी भागते भागते, बच्चों के जैसा स्वामी जी का वर्तन था, छोटा बच्चा कैसे ऐसा दुड़ 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 भागता है, दुड़ दुड़ भागना मतलब छोटे बच्चे जैसा भगवान जी का चलना था। तो भगवान जी वैसे भागते हुए उसकी तरफ गए, वहां पे गए, दगड़ फेड़ी ले, मतलब वहां के जो पत्थर रखे थे वो सब हटा दिए, मट्टी थी वो निकाल दी और उसको ऊपर उठाया, उसको साफ किया, उसके ऊपर से मट्टी निकाल दी और उसको आनंद से देखने लगे स्वामी जी। और स्वामी जी उसको ऐसा उपंगड़ी मतलब ऐसा कांख अपने हाथों में पकड़ के उसको लेके आए। उस बच्चे की जो माता थी, उस माता ने, उसके माता के सामने जब स्वामी जी उस मृत बच्चे को वापस लेके आते हैं, तो उसने देखकर ही दरवाजा बंद कर लिया। नेहा नेहा रावुलो सवे परतन्या, उसको लेके जाओ, वो मर चुका है, उसको मैं अब नहीं ले पाऊंगी, वो मर चुका है, ऐसा कह के उसने दरवाजा बंद कर लिया। मनुष्य कैसा होता है देखिए आप, जो पुत्र जिंदा था तब चाहिए था, उसके लिए रो रही थी वो माता, लेकिन उसको जब पता चला कि वो मृत हो चुका है,
तो ये स्वामी गोविंद गुरु महाराज जी की जो मूर्ति थी उनका जो कार्य था ये उनको बोला जाता है मराठी में वेड़ी पिसी मूर्त, कि वो जो कार्य था सब वो कार्य विलक्षण कार्य था। और श्री गोविंद गुरु महाराज जी की लीला नैनी से श्री प्रभु जी कैसी लीला हम बता नहीं सकते, कि श्री प्रभु गोविंद गुरु महाराज जी की लीलाओं को हम बखान नहीं कर सकते। तो उसने क्या कर लिया, उस माता ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाजू में एक बूढ़ी औरत थी, स्वामी जी ने उसके गोदी में उनको उस बच्चे को लाके रख दिया। उसको बोलता है उसके वो बोलती है वो माता बोलती है मतलब बूढ़ी माता बोलती है राहुल को, राहुल मी काय करी, मैं क्या करूंगी इसका, अब मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं और ये मर चुका है, मैं क्या करूंगी, मैं तो बूढ़ी हूं ना, मैं क्या करूंगी। फिर भगवान जी ने उसको दूध पिलाने के लिए प्रवृत्त किया और उसको तुरंत दूध आ गया। उस माता जी को इतनी बूढ़ी औरत को भी तुरंत दूध बच्चे को पिलाने लग गई, वो ईश्वर का चमत्कार। देखिए बूढ़ी औरत को भी केवल स्वामी जी ने बोला कि इसको दूध पिलाओ, वो दूध पिलाना उसने शुरू कर दिया और बच्चा भी दूध पीने लग गया। मृत बालक को कैसे भगवान जी ने जिंदा किया। तब वो जो उसकी ओरिजिनल माता थी उसने दरवाजा खुला और देखा उसने कि ये क्या हो रहा है, तो स्वामी जी तब तक तो चले गए थे। अब वो मांगने लगी कि ये पुत्र मेरा है तू मुझे दे दे। वो मातारी बोलती थी, जब मतारी बोलने लगी जो मतलब बूढ़ी औरत बोलने लगी, जब आपको परमेश्वर दे रहे थे तब आपने क्यों नहीं लिया, अब मुझसे क्यों मांग रही हो तू, ये तो राहुल ने मुझे दिया है, मैं अब नहीं दूंगी तुम्हें। तो फिर वो जो ओरिजिनल माता थी वो महाजन लोग जो गांव में न्याय करने वाले लोग है उनकी तरफ वो बोलने के लिए चली गई। मातारिया मातारी बोलने लगी कि महाजन को वो उसकी माता बोलने लगी, रावड़ी इस दीदले के ईचे लेकर झाले, कि भाई गोविंद प्रभु महाराज जी ने ये जो पुत्र है ये पुत्र इसे दे दिया है, अब ये जो बच्चा है अब उसका ही हो गया, आपको आपने अब लोभ नहीं करना चाहिए, अब आप लोभ मत करो, आप अब तुम अब ऐसा करो आप इसके बाजू में रहते हो ना, आप इसके बाजू में ही रहो। मतलब उस माता ओरिजिनल माता को महाजन बोलने लगे अब तुम उसके बाजू में रहो और बच्चे की ख्याल रखो, बच्चे का ख्याल रखो, बच्चे को प्यार करो, सब करो, लेकिन लेकिन मातृत्व जो है वो उस मातारी को ही श्री गोविंदपुर महाराज जी ने दे दिया है, अब उनसे आप अपना पुत्र वापिस मत लो। फिर उसकी माता उसके बाजू में रहने लगी, वहां पे उसको बेड बना के दे दिया, बाज सुपोती बोलते उसको बेड बना के दे दिया, एक गाय भी दे दी कि भाई उसके लिए भी दूध लगेगा तो एक गाय दे दी। फिर वो जो बच्चा था वो 100 साल का बच्चा हुआ, मतलब कहने का तात्पर्य शतायुषी बच्चा हुआ, पूरा उम्र उसने अपनी जिंदगी पूरी उम्र उसने लगाई। फिर उसका नाम जो था वो दामोदर नाम रखा था, तया नाम दामोदरो, जब जियाला तब तयासी ज्वर ताप नाही, वो जब तक जिंदा रहा वो बच्चा, भगवान ने जो बच्चा जिंदा किया था उसको पूरी उम्र भर ज्वर ताप नहीं, मतलब कोई बीमारी नहीं, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। आपुले अनुभवीचा केली लीला भक्ता पुड़े सांगे, उसने जो जो लीलाएं भगवान जी की देखी, श्री गोविंद गुरु महाराज जी की जो जो लीलाएं देखी वो भक्तों के सामने उन लीलाओं का बखान करने लगा। इस प्रकार से भगवान जी ने एक मृत बालक को भगवान जी ने जीवित किया था। अब इस लीला में हमें देखना पड़ेगा कि भगवान जी ने उस बूढ़ी माँ को मातृत्व का फल दिया है, ठीक है ना, और वो जो लीला दान का जो उम्र थी उसको पूरी मिली, वो बच्चे को मिली थी, वो उम्र भगवान की ओर से गिफ्ट मिलने के कारण वो बीमार भी नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ और पूरी उम्र उसने जीवित रह के बिताई है। इस प्रकार से गोविंद महाराज जी की ये मृत बालक को जिंदा करने की ये लीला है जो हमने देखी है। आज के जीवन में हम इस लीला में से क्या ले, ये महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपको मैं बताना चाहता था। देखो भगवान जी अगर प्रसन्न हो जाए, ईश्वर अगर प्रसन्न हो जाए तो उन्हें कहा जाता है अनार्जित दाता, कि जो हमने जोड़ा नहीं है, जो हमने अपने कर्मों से भी जोड़ा नहीं है, वो भी देने का सामर्थ्य, वो भी देने का कार्य परमपिता परमेश्वर श्री गोविंद गुरु महाराज सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी महाराज अपने जीवन में उद्धार के कार्य नाम से करते हैं। हमने क्या करना चाहिए,
हमारे जीवन में कभी ऐसा प्रश्न, अब हमने कोई मृत्यु हो जाए किसी की, या तो हम बालक को लेकर या किसी को लेकर ईश्वर के सामने ले जाकर तो नहीं बैठ सकते कि अब इसको आप जिंदा कर दो, ऐसा तो ये तो लॉजिकली भी प्रूफ नहीं हो सकता और ठीक भी बात नहीं है। लेकिन ऐसा प्रसंग अगर हमारे जीवन में आ जाए और हम अगर दुख पूर्वक प्रायश्चित लेकर अगर भगवान से प्रार्थना करें तो परमेश्वर हर दुख से हमें दूर करने का काम, परमेश्वर दुख को हमसे दूर करने का काम, परमेश्वर हमें प्रेम देने का काम, परमेश्वर हमें ज्ञान मार्ग पर चलने की शक्ति देने का काम 101% कर सकते हैं। बस हम में लगन और लगन के साथ आर्त होना बहुत आवश्यक है। इतनी बात आपने ख्याल रखनी है। अधिक शंका अगर आपको हो आप कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसे लीलाओं को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए। दंडवत प्रणाम। जय श्री गोविंद प्रभु।